ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤਾਰ ਲਗਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਐਸਾ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 30 ਸਾਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਇਸ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ। परिवार दा दुख देख नहीं हुंदा। जिस तरह दे नाल परिवार रो रहा है, उन्हां दी अखां दे सामने ही उन्हां दे घर दे जी दी लाश पई हुई है, जिस दा बेरहमी नाल कतल कीता गया है। दस्सिया जा रहा है कि 3 किसान जिन्हां दी जमीन नाल ही लगदी है, खेतां दे विच बैठे गल्लां बातां कर रहे सन ते इसे विचाले ही खेतां 'च बिजली दी तार लगाउण नूं लै के विवाद छिड़ गया। विवाद इन्ना वध गया कि इत्थे 2 किसानां दे वल्लों एक किसान दे उत्ते हमला कर दित्ता गया। उसके सिर दे विच लोहे दी भारी चीज मारी गई, जिस दे नाल किसान ने थाए ही दम तोड़ दिता। पुलिस दे वल्लों एक किसान नूं गिरफ्तार कर लिया गया है। परिवार करने वाला कतल करने वाला किसान फरार है, जिसकी तलाश पुलिस दे वल्लों कीती जा रही है। मामला करनाल तो सामने आया, जिथे करनाल दे ही नली पार्क पिंड दे विच 3 किसानां 'च झगड़ा होया सी, जिस विच एक कृष्ण नाम दे 30 सालां किसान दा बेरहमी नाल कतल कर दिता गया। उसके सिर दे विच लोहे दी भारी चीज मार के हाले तक पुलिस नूं पता नहीं लग्या कि आखिर वार किस चीज नाल कीता गया है, क्योंकि वार करने वाला शख्स फरार चल रहा है, जिसकी तलाश की जा रही है। उधर परिवार वालों का भी दुख देख नहीं हुंदा। रो रो बेहाल हो गए ने परिवार वाले ते इंसाफ की मांग कर रहे ने। उन्हां दा कहना है कि उन्हां दे परिवारिक मैंबर दी जिसने इन्नी बेरहमी नाल हत्या की है, कतल किया है, उसनूं कड़ी तो कड़ी सजा मिलनी चाहिए है। खेत में जिस तरह हमारे भतीजे भी जा रहे थे, तो ऐसे ये पटड़ी आ रही है। सरदार के खेत हैं इधर, हमारे यहाँ इधर, तो ट्यूबवेल ट्रांसफार्म लग रहा है इस साइड में। तो हमारे भतीजों ने उसको सरदार को तार नहीं लगाने दी, तो ये इन्होंने पी रखी होगी, तो गाल गलोच हो गई, उसके सिर में कुछ मारा हो, वहीं खत्म हो। उससे पहले भी कोई रंजिश चल रही थी? नहीं, कोई रंजिश नहीं, कोई रंजिश जो मौके पे था। और एक लड़का वहाँ हमारा पड़ोसी, वो साथ में। अभी जहाँ तक हमें पता चला है, कृष्ण नाम का लड़का था जो खेतों में जाए हुए थे, तो खेतों की छत पर बैठे हुए थे। एक सरदार जी था और एक बिट्टू नाम का लड़का था जी, इनकी कहा सुनी हुई है, जिससे कि पता चला कि जो सरदार था उसने इसको सिर में कुछ मारा। वो तो हमारा पोस्टमार्टम में ही आएगा, क्या मारा क्या नहीं मारा। बाकी जिसकी मौत हुई है सर, किसानी करता है, और कृष्ण जो है, हाँ, वो भी खेती ही करता है। कितनी उम्र है सर उसकी? लगभग 30 साल के लगभग। और जो सरदार जी हैं जो पड़ोसी हैं, वो साथ में उन्होंने जमीन खरीदी हुई, पड़ोसी हैं साथ में। जमीनी विवाद चल रहा था पुराना कोई? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ सामने नहीं आया। कि उनमें से एक जो बिट्टू नाम का लड़का था, वो हमने अरेस्ट कर लिया। 2 लोग बता रहे हैं, 2 लोग बता रहे हैं। जो सरदार है उसके पीछे हमारी टीम, थाना की टीम लगी हुई है। इसमें ये बता रहे कि वो छत पे बैठे थे, तो सिर में कुछ लोहे की चीज मारी है, जिससे वो मार के उसने चक्कर आ गया और नीचे गिर गया। तो फोरेंसिक टीम को भी बुलाया जाए? हाँ, अभी फोरेंसिक टीम में डॉक्टर साहब आ रहे हैं, और इसको पोस्टमार्टम के लिए हम भेज देंगे बाद।